बस्तर में बीमारियों का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के बाद अब मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज भी बस्तर में मिल गए हैं। दोनों ही दंतेवाड़ा जिले के बचेली में तैनात CISF के जवान हैं। दोनों जवानों को मंकी पॉक्स के लक्षण उभरने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इनके शरीर पर मंकी पॉक्स के लक्षण जैसे चट्टेदार दाने उभर आए थे। आपको बता दें, मंकी पॉक्स को लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। दोनों जवानों के नमूनों को पुणे स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नवीन दुलहनी ने बताया कि दोनों जवान हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, इनके शरीर में दाने निकल गए थे। इसके अभी तक ये वेरीफाइड नहीं हुआ है। ये दोनों CISF के पर्सनल हैं जो दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ हैं और ये दिल्ली से यात्रा करते हुए आए थे। उनको सिम्टम दिखने के बाद में उनका सैंपल लिया गया, जिसे पुणे के वायरोलॉजी लैब में उसके कन्फर्मेशन के लिए भेजा गया है। जैसे ही कन्फर्मेशन आएगा, उसके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो प्रस्तावित है, उसके अनुरूप में उन्हें यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा।